सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को कवर करेंगे। जो लोकेशन रहेगी वो गुड़गांव सेक्टर 103 रहेगी और जो प्रोजेक्ट रहेगा वो ऑक्सीरिज का चिंतामणि रहेगा। तो इस प्रोजेक्ट पे आज आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन देंगे कि इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या साइज अवेलेबल हैं, क्या प्राइस अवेलेबल हैं और क्या इसके अंदर आपको ऑप्शंस मिलते हैं, क्या एमिनिटीज़ मिलती हैं, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, लोकेशन लगती है गुड़गांव सेक्टर 103, द्वारका एक्सप्रेस वे से वॉकिंग डिस्टेंस पर यह प्रोजेक्ट लगता है। तो काफ़ी अच्छे से कनेक्टिविटी रहेगी इसकी द्वारका एक्सप्रेस वे से। प्रोजेक्ट के अंदर अगर लैंड बैंक की बात करें तो लगभग 4 एकड़ का ये प्रोजेक्ट रहेगा, जिसके अंदर टोटल 4 टावर बन के तैयार होंगे। जो ऑप्शंस आपको मिलेंगे इसके अंदर 3 BHK और 4 BHK और पेंट हाउसेस के ऑप्शंस मिल जाएंगे। 3 BHK के अंदर आपको डिफरेंट साइज मिल जाएंगे, इसी तरह से आपको 4 BHK के अंदर भी डिफरेंट साइज मिल जाएंगे। अगर बात करें प्रोजेक्ट की, तो प्रोजेक्ट के अंदर जो एमिनिटीज़ मिलती हैं वो क्लब हाउस, जिम, स्विमिंग पूल, किड्स प्ले एरिया, ओपन ग्रीन एरिया और एल्डर वॉकिंग एरिया, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट रहेगा वो चारों तरफ से वॉल कवर रहेगा। प्रोजेक्ट के अंदर ग्राउंड और लोअर ग्राउंड के अंदर पार्किंग स्पेस रहेगी। पर फ्लैट के साथ आपको 2 कार पार्किंग अलॉट होंगी। अगर आप एक्स्ट्रा कार पार्किंग लेना चाहते हैं तो उसको भी आप पे करके बाय कर सकते हैं। आप तीसरी कार पार्किंग को भी बाय कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी इसके अंदर अवेलेबल रहेगा। प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको कमर्शियल शॉप्स भी देखने को मिलेंगी, जिससे कि आप डेली नीड की चीज़ें वहीं से बाय कर पाएंगे। प्रोजेक्ट जो है वो रेरा सर्टिफाइड है। 2026 नवंबर में इसकी पोजीशन आपको मिल जाएगी। तो अभी जो प्रोजेक्ट है वो इनिशियल स्टेज पे है। अगर आप इसके अंदर बाइंग करते हैं तो आपको पोजीशन तक काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिल जाएंगे। प्रोजेक्ट के अंदर आपको काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान भी मिल जाएगा। आप कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान भी ले सकते हैं, अदर पेमेंट प्लान भी इसके अंदर बाय कर सकते हैं। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग करते हैं तो आप बैंक से फाइनेंस करा के भी इस प्रोजेक्ट को ले सकते हैं। रतन कुंज आपके लिए लेकर आया है लकी ड्रॉ कॉन्टेस्ट। कॉन्टेस्ट में पार्ट लेने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और जीते बेहतरीन इनाम। हाइट जो टावर की रहेगी वो G+20 और G+22 की रहेगी। एक टावर पूरा 4 BHK का रहेगा और एक टावर पूरा 3 BHK का रहेगा। पेंट हाउस के जो ऑप्शन हैं वो सोल्ड आउट हैं। 3 BHK की यहाँ पे स्टार्टिंग हो जाती है वो 1,850 स्क्वायर फीट से हो जाती है, जिसका जो प्राइस रहेगा वो 2 करोड़ रुपये रहेगा। और 4 BHK की यहाँ पे जो स्टार्टिंग हो जाती है वो 2,71,00,000 रुपये से हो जाती है, जिसका जो साइज रहेगा वो 2,500 स्क्वायर फीट के आसपास का रहेगा। इसके बाद आपको इन्हीं दोनों साइज़ में 3 BHK और 4 BHK में बड़े साइज़ भी मिल जाएंगे, जिसका मैं ब्रेकअप पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में अपडेट कर दूंगा कि 3 BHK के अंदर क्या क्या साइज़ अवेलेबल हैं, उसका क्या प्राइस है, 4 BHK के अंदर क्या क्या साइज़ अवेलेबल है और उसका क्या प्राइस है। तो उसके लिए आप हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते होंगे। जो फ्लैट्स रहेंगे वो 3 साइड और 2 साइड ओपन रहेंगे, तो काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एमिनिटीज़ भी आपको काफ़ी अच्छी मिल रही है और रेट भी काफ़ी अच्छा है इसके अंदर मिल रहा है। प्रोजेक्ट के अंदर ही आपको EV कार चार्जिंग पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो जो मॉडर्न एमिनिटीज़ हैं सभी की सभी बिल्डर ने इसके अंदर आपको प्रोवाइड कराई हैं। और इस प्रोजेक्ट की जो मेंटेनेंस रहेगी वो 3 से 4 रुपये पर स्क्वायर फीट की रहेगी। अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर बाइंग करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको इसके अंदर एक बेस्ट डील बेस्ट रेट में प्रोवाइड करा के देंगे और आफ्टर सेल सर्विस भी देंगे। और अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पोजीशन तक आपको 70 से 80% की एप्रिसिएशन देखने को मिल जाएगी। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो आप बिल्कुल मिस ना करें, उसके लिए इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। वैसे आपका कोई सुझाव हो या कोई बात आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।